शहर के राजकीय अमृतकोर चिकित्सालय के सोनोग्राफी केंद्र पर अनियमितताओं का बोलबाला बढ़ रहा है। सोनोग्राफी के लिए 25 दिन का समय मिलने के बाद भी रोगियों की सोनोग्राफी नहीं हो रही है। इतना ही नहीं, जनप्रतिनिधियों के हस्तक्षेप के बाद भी इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ऐसा ही एक मामला सोमवार को सामने आया है। जानकारी के अनुसार रूपारेल निवासी कुलशम पत्नी अल्लादीन को 24 नवंबर को सोनोग्राफी केंद्र से 19 दिसंबर की तारीख दी गई थी। कुलशम सोमवार को निर्धारित समय पर अस्पताल पहुंचे, जहां पर उसका नंबर 5वां था, लेकिन सोनोग्राफी केंद्र पर 20 रोगियों की सोनोग्राफी होने तथा दोपहर के 2 बजने के बाद भी कुलशम का नंबर नहीं आया तो उसके पति अल्लादीन ने इसकी जानकारी अपने परिचित पार्षद हरीश साखला को दी। जानकारी मिलते ही पार्षद साखला, पार्षद पिंकी कुमावत तथा मुनि देवी गहलोत अस्पताल पहुंचे और सारे घटनाक्रम की जानकारी लेते हुए सोनोग्राफी केंद्र के काउंटर पर इस हेतु संपर्क किया तो वहां से उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इस दौरान उन्हें जानकारी मिली कि यहां पर सुबह से ही सोनोग्राफी करवाने वालों की भीड़ लगी हुई है, लेकिन कुछ ही लोगों की सोनोग्राफी हो पाई है। उधर महिला के पति ने बताया कि जब इस बाबत काउंटर पर विरोध जताया गया तो वहां से उसे बाहर से सोनोग्राफी करवाने की नसीहत देते हुए कहा गया कि यहां पर तो ऐसे ही होगा, अगर ज्यादा जल्दी है तो बाहर जाकर सोनोग्राफी करवा लो। इसके बाद सभी पार्षदगण कार्यवाहक पीएमओ डॉ. विद्या सक्सेना से मुलाकात करने की पीड़ा बताई, जहां पर उन्होंने बताया कि सोनोग्राफी केंद्र पर इंडोर रोगियों की जरूरी सोनोग्राफी के कारण थोड़ा समय लग गया। पहले इंडोर रोगियों की सोनोग्राफी की गई है, अब शेष रोगियों का नंबर लिया जा रहा है। इस दौरान पार्षद हरीश कुमावत ने बताया कि अस्पताल के पर्चे काउंटरों पर जनप्रतिनिधियों की भी नहीं सुनी जाती है, उनके साथ भी काउंटर कर्मचारियों की ओर से बदतमीजी की जाती है। इस दौरान पार्षद पिंकी कुमावत ने अपनी शिकायत दर्ज करवाते हुए बताया कि पर्चे काउंटर पर कार्यरत एक कर्मचारी ने 2-3 दिन पहले उनसे भी 30 रुपए ले लिए, जबकि सरकार की ओर से पर्ची, दवा तथा जांचें आदि निशुल्क की जा रही है। इस पर कार्यवाहक पीएमओ ने बताया कि इस बाबत उन्हें शिकायत मिली थी। शिकायत के बाद संबंधित कर्मचारी को काउंटर से हटाकर अन्यत्र लगा दिया गया। अगले 24 तारीख को आया था, तब मेरे को 19 तारीख का डेट देके भेजा था सोनोग्राफी कराने के लिए मेरी पत्नी के लिए। तो अभी ये लोग बोल रहे, अभी गया तो 5वां नंबर था मेरा, सुबह 9 बजे से खड़ा हूँ मैं और 12-1 बज गया है। तो ये बोल रहे हैं कि नंबर आएगा जल्दी, अगर तेरे को करवाना है तो घर पे जाके करवा या पैसा लगा करवा, या ऐसे होता है फ्री में इलाज, तो फ्री में क्यों करवाते हो, तुम पैसा लगा करवाओ तो पता चलेगा। तो मैं इनको ये बोल रहा हूँ कि अगर पैसा लगवान करो तो आपके यहाँ पे क्यों आता, आपको सब कुछ कर रहे हैं, वो दे रहे हैं सरकार, सब इतना सुविधा कर रही है, तो फिर मेरे को तुम परेशान क्यों कर रहे हो। और जबकि मैं जो अंदर बैठे उनको उनसे पूछा हूँ मैं, 35 सोनोग्राफी एक, जबकि 5वां नंबर मेरा है, सुबह से बैठा हूँ, 5वां नंबर है, 35 नंबर कब आएगा, पार कराओ और 10 घंटा 15 ज्यादा जल्दी तो बाहर कराओ। जब भी टाइम से आया हूँ और अगली बार अगली 24 तक 19 तक का डेट दिया था मेरे को। और मरीजों के साथ में जो सोनोग्राफी का जो क्रम है वो बिल्कुल ठीक नहीं था। इसी क्रम में हम जनप्रतिनिधि आज अमृतकौर आए और यहाँ पे देखा तो जो सोनोग्राफी का जो करने का जो इनका प्रक्रिया है वो बिल्कुल ठीक नहीं था। मरीजों को तारीख पे तारीख दी जा रही थी, उसके बावजूद भी मरीज आज सुबह 8 बजे से लाइन में खड़े थे। कुछ मरीजों ने विरोध भी किया, हमें जानकारी मिली। उस मरीज को लेकर हम यहाँ पे पीएमओ साहब के पास पहुँचे और मरीज ने जानकारी दी कि वो सुबह 8 बजे से यहाँ इंतजार कर रहा है और उसका नंबर भी 5 नंबर पर था, लेकिन 20 नंबर होने के बावजूद उस मरीज को उसका संज्ञान नहीं लिया गया। इस संबंध में हमने यहाँ पे उच्च अधिकारी से बात की है। साथ ही जो पर्ची काउंटर है वहाँ पे भी अत्यधिक भीड़ थी, हमने वहाँ पे भी आग्रह किया कि भैया आप एक काउंटर आपका जो बंद है वहाँ एक आप अपना अतिरिक्त स्टाफ लगा के इसको, मरीजों को परेशानी हो रही है तो इस और आप थोड़ा मदद करें, लेकिन उन्होंने हमारी बात सुनने के बजाय बहुत ही बदतमीजी से हमसे बात की और बहुत ही नकारात्मक रवैया अपनाया, तो बिल्कुल ठीक नहीं था। गायनिंग वार्ड के अंदर जो काउंटर पे जो मनोज खड़ा है तो वो पैसे लिए मुझसे, खुद से 30 रुपए लिए। वो उससे मैंने पूछी भाई ये 30 रुपए किस चीज़ के, तो उसने कहा जो ये मैं जो कार्ड बनाता हूँ एंट्री कार्ड उसके 30 रुपए लिए हैं। तो ये बार बार शिकायत करने के बाद भी आज तक कोई संज्ञान नहीं हुआ इसका, और ये लगातार यही काम करे जा रहा है, पैसे लिए जा रहा है, पैसे लिए जा रहा है। सभी गरीब जो भी यहाँ पे आते हैं पेशेंट उनसे पैसे लिए जा रहे हैं और अभी तक कोई भी संज्ञान नहीं हुआ है। हमने पीएमओ साहब को भी शिकायत की थी, एसडीएम साहब को भी की थी, पर अभी तक कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से पर्चियाँ फ्री है, दवाइयाँ फ्री है, उसके बाद भी बार बार पैसे लिए जा रहे हैं। आज एक मरीज शिकायत लेके आई थी कि उनका आज की तारीख दी गई थी और उनका 5 नंबर दिया गया था और उसकी सोनोग्राफी नहीं हो पाई थी, इसके लिए वो काफ़ी नाराज़गी व्यक्त कर रहे थे। पता किया गया तो प्रभारी जो है वो हैं सोनोग्राफी वाले, उन्होंने बताया कि 14 से 15 जो इंडोर पेशेंट थी, जो बढ़ती सीरियस मरीज़ है,
जिनकी बहुत ज़रूरी सोनोग्राफी थी, पहले उनकी की गई और उसके बाद उनको बुलाया गया और उनको निर्देशित कर दिया गया है कि जिन प्रसूताओं को तारीख दी गई है उनका नियत समय पर सोनोग्राफी की जाए। पर्ची काउंटर पे पैसे लेने की जो शिकायत थी उसके कारण उस कर्मचारी को वहाँ से हटा दिया गया है, अन्य स्थान पर लगा दिया गया है और दूसरा कर्मचारी काम कर रहा है।